मेरे बच्चे मतलब बेरोजगार हो गए, मेरे बच्चे भी मतलब लिमिटेड कंपनी में थे, सब अपनी फैमिली को ही हायर करते हैं। सिर्फ आजकल क्या कंपटीशन, रोजगारों को रोजगार नहीं है, आम पब्लिक चोरी चकारी सब पे उतर आई है, बसें जा रही है, हमें फ्री सेवा नहीं चाहिए। जो आम जनता जाती थी ना पैसे दे के, वो सुकून था कि पब्लिक उतनी ही चढ़ती थी, फ्री की सेवा ये भर भर के लेडीज चल देती है उठा के। आपको किससे उम्मीद है? मेरे को तो देखो, अगर मोदी जी सही काम करेंगे, योगी जी ने जो काम करा है ना यूपी में, वो वही चाहते हैं हम कि अपनी भारत में योगी मोदी योगी बन जाए। हमारी जो बाहर की कंट्री है ना, पहले तो उनका आना जाना बिल्कुल बंद, आप सीमा पुरी में निकल नहीं सकते, इतनी बदबू बांग्लादेशी ना रहना दुबर कर। आज आप दिल्ली में रहकर भी हमारे पास अपना घर नहीं है, और उन पर चार चार झुग्गियां, एक एक बंदे पे चार चार झुग्गियां। मोदी जी से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अपने देश को सुरक्षा रखना चाहते हैं ना तो महंगाई कम कर दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, आम पब्लिक चोरी चकारी सब पे उतर आई है, ये देश का हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप महिला हैं, महिला की नजरिए से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा मैं ये बताना चाहूंगी, सबसे ज्यादा महंगाई है, महिला के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है, एजुकेशन देना मुश्किल हो रहा है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, फतेहपुरी की, और मैं ITO पे ही जॉब करती हूँ। किस तरीके की समस्या आपको दिनचर्या रोजमर्रा की जिंदगी में? बसों की बहुत भर भर के जो बसें जा रही है, हमें फ्री सेवा नहीं चाहिए, उसे बंद करवा दीजिए, ठीक है ना। जो आम जनता जाती थी ना पैसे दे के, वो सुकून था कि पब्लिक उतनी ही चढ़ती थी, फ्री की सेवा ये भर भर के लेडीज चल देती है उठा के, वो चीजें नहीं चाहिए। बिल्कुल जायज है, हाँ ठीक है ना सर, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ आपका दर्द जायज है, मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे मतलब बेरोजगार हो गए, सिर्फ आजकल क्या कंपटीशन, इतनी बार सब्जियां में क्या क्या करते थे आपके मतलब बच्चे जो अब बेरोजगार हैं? मेरे बच्चे भी मतलब लिमिटेड कंपनी में थे, सब अपनी फैमिली को ही हायर करते हैं, आम पब्लिक के बच्चों को तो मिलता ही नहीं है चांस, पढ़ा लिखा कर भी बेरोजगार है बच्चा, फिर से तो बेकार ही है ना, फिर सरकार क्यों जाएगी मोदी की तरफ, ये तो बता दीजिए। नहीं, लेकिन सरकार तो उनकी कहीं ना कहीं तीसरी बार वापस आ गई है। भला ही वो तीसरी बार आ जाए चौथी बार आ जाए, लेकिन कई बार तो वो डूब रहे हैं ना, ये भी तो सोचिए। आपको किससे उम्मीद है? मेरे को तो देखो, अगर मोदी जी सही काम करेंगे, योगी जी ने जो काम करा है ना यूपी में, वो वही चाहते हैं हम कि अपनी भारत में योगी मोदी योगी बन जाए। जैसे 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 यूपी उन्होंने चमन कर दिए ना, गुंडा राज सब कुछ एक बल कर दिया है, नौकरियां दी है, ऐसे दिल्ली के बच्चों को नौकरियां दिए जाए। आपको लगता है यूपी में गुंडा राज कम हुआ है? कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है, बिल्कुल। अभी अभी हाल ही दो दिन पहले दंगा हुआ है यूपी में, आप कह रहे हैं गुंडा राज कम हुआ है। उस चीज का, उस चीज के बारे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हाँ, मैंने नहीं सुना है एक्चुअली, मैं नहीं, लैक ऑफ नॉलेज है। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं, एक NCRB होता है जिसको कहा जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में जिस राज्य में जितने अपराध होते हैं उनका सारा डाटा रखता है। उस डाटा के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपहरण बलात्कार इन सब कामों में यूपी नंबर वन है। हाँ, सुन लीजिए। हाँ, दूसरी बात, उसके बाद हिरासत में जो मौतें होती है, पुलिस हिरासत में जो मौतें होती है, उसमें यूपी नंबर वन है, ठीक है जी। तीसरी चीज, जो इस तरह की जो कस्टडी में डेथ की जिसकी मैंने बात करी, तीसरी बात अपहरण में यूपी नंबर वन है। इन तीन चीज़ों में यूपी नंबर वन फिलहाल चल रहा है NCRB के डाटा के अनुसार। और आप कहते हैं कि वहाँ पे अगर कानून व्यवस्था सुधर है तो आप थोड़ी सी इसको जानकारी को बढ़ाइए, आपके लिए अच्छा। बिल्कुल सर, हम तो यही चाहेंगे मोदी सरकार से, जो हमारी जो बाहर की कंट्री है ना, पहले तो उनका आना जाना बिल्कुल बंद, आप सीमा पुरी में निकल नहीं सकते, इतनी बदबू बांग्लादेशी ना रहना दुबर कर। बांग्लादेशी बिल्कुल, आप जाके देखिए, मेरे पास वीडियो नहीं है वहाँ का, वरना मैं वीडियो डाल देती यहाँ पर। कहाँ पे, किस जगह? सीमापुरी सुना है आपने, 205 ये वहीं जाती है सीमापुरी, ठीक है ना, 213 ये सब वहीं के रूट है। केंद्रीय दफ्तर के लिए हम निकलते हैं, बसें नहीं है वहाँ के लिए। आप ये कह रहे हैं दिल्ली में सीमापुरी इलाके में बांग्लादेशी आए हुए हैं? सबसे ज्यादा हमने तो वहाँ इंक्वायरी करी है, ये तुम्हारा कोविड में हम सिविल डिफेंस में थे, हमने घर घर जाके, हमारे पास आप दिल्ली में रहकर भी हमारे पास अपना घर नहीं है, और उन पर चार चार झुग्गियां, एक एक बंदे पे चार चार झुग्गियां, वो भी देखो अपनी अपनी एक ID से 10 नाम से उनके मकान है, और हमने कोर्ट में सबके डाटा दिए हैं, MCD कोर्ट में, नंदगिरी कोर्ट में दिए हैं।